कहते हैं ना, कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको अपने दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उन जगहों पे जाते हो तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो बचपन के दिन, वो पुरानी चीज़ें, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें याद आ जाती हैं। तो इन जगहों से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, इस गांव से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पवन इंडियंस में। दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं अपने गांव भंडारो, जो कि गोरखपुर में है। तो चलिए निकलते हैं और आपको अपने गांव का सैर कराते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने गांव पे आ चुका हूं, जो कि हमारे गांव का सबसे पुराना पोखरा है, जिसको बोलते हैं चेतनदास बाबा का, जो यहां पे मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये है यहाँ का बहुत ही पुराना विद्यालय, जिसका नाम है श्री राम ओरी उपाध्याय, जो संस्कृत महाविद्यालय है। ये यहाँ का बहुत ही पुराना स्कूल है, जहाँ पे मेरी बुआ जी यहाँ पे पढ़ने आती थी, और कभी कभी छुट्टियों में मैं भी जब यहाँ पे आता था तो उनके साथ पढ़ने आता था। और यहाँ पे एक बहुत ही पुराना पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे अभी तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं। यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे सारे बच्चे, सारे लोग चट्टी लेके आया करते थे और उसी पे बैठ के पढ़ाई करते थे, पेड़ के नीचे। ना कोई डेस्क, ना कोई बेंच, वो एक अलग ही माहौल था। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बदल चुकी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनको अपने दिमाग से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उन जगहों पे जाते हो तो कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो बचपन के दिन, वो पुरानी चीज़ें, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमें याद आ जाती हैं। तो इन जगहों से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है, इस गाँव से। यही हमारी जड़ है। और कहते हैं ना कि इंसान को अपना कभी पिछला नहीं भूलना चाहिए, तो ये हमारी जड़ है, जहाँ से हम निकलकर अलग अलग जगह जाते हैं और अपने आप को हम विकासशील करते हैं, अपने आप को आगे पहुँचाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है अपने गांव आकर।
पहले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बदल चुकी हैं। यहाँ पे गांव के लोगों ने काफ़ी प्रयास करके इस मंदिर को बहुत ही अच्छा बना दिया है लोगों ने यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ का सबसे पुराना मंदिर हुआ करता था और वो अभी भी है, बाबा चेतन दास का मंदिर, जिनकी समाधि यहाँ पे है। पहले हम वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। ये है बाबा चेतन दास की समाधि, जो कि जैसा कि आप देख बहुत ही खूबसूरत। तो गाइस चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो भी विकास हुआ है हमारे गांव का, जो हमारे मंदिर हैं यहाँ पे। अभी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बदल चुकी हैं, विकास कर दिया गया है। यहाँ पे कोई है नहीं अभी, मैं आपको फिर कभी यहाँ पे अंदर से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गेट बंद है। तो चलिए चलते हैं, हम अपने गांव को दिखाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मंदिर है ये भी। आज मैं सिर्फ आपको अपने गांव का एक लुक दिखाने आया हूँ, जो हमारी पुरानी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए चलते हैं अपने गांव की तरफ और आपको अपना गांव दिखाते हैं। चलिए चलते हैं अपने गांव की तरफ। ये देखिए हमारे गांव का रास्ता। यह हमारे दादाजी की जमीन। क्या दिन थे पहले, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, जहाँ पे हम यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत सारे हुआ करते, जैसे कि यूकेलिप्टस के पेड़ बहुत हुआ करते थे यहाँ पे। आज इस जमीन पे गांव के हमारे पूरे गांव का पानी, हमारे इस जमीन को इन लोगों ने तालाब बनाकर रख दिया है। बट कोई नहीं, जल्द ही वो वक्त आएगा, सब कुछ बदल जाएगा। पूरे गांव का पानी हमारे ही जमीन में लाके गिरा जा रहा है। ये देखिए हमारे चाचा जी आ रहे हैं। प्रणाम। ये हमारे दादाजी की दुकान, जो कि इससे पहले यहाँ पे एक गुमती हुआ करती थी, जैसा कि मुझे याद है, छोटी सी गुमती। और यहाँ पे दादाजी लकड़ी की दुकान लकड़ी हुआ करती थी, जहाँ पे लकड़ी काट के बेचा जाता था गांव में। क्या बात है, सारे पेड़ सूख गए हैं, बहुत सारे पेड़ वो यहाँ पे हुआ करते थे पहले। बट कोई नहीं, बहुत सी चीजें बदलती हैं और बदल ही जाती हैं।
तो गाइस चलिए चलते हैं अपने गांव की तरफ। सो गाइस ये है यहाँ का बहुत ही पुराना प्राइमरी स्कूल हमारे गांव का। यहाँ पे भी बुआ लोग यहाँ पे पढ़ा करती थी। चलिए हम आपको अपना गांव दिखाते चलते आते हैं। यह है हमारी गांव की गलियां, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों आज मैं पैदल ही चल रहा हूँ क्योंकि मैं इन रास्तों पे कभी पैदल कभी साइकिल से चला करता था बचपन में। अपन गांव यहाँ पर जमीन है, सभी सब चीज यहाँ पर, लोग हैं। जय हो काली माँ। सो गाइस देख सकते हैं ये हमारी गांव की बहुत ही पुरानी मंदिर, काली माता की मंदिर। जय काली माँ। क्या दिन थे बाबा, सारे घर पुराने ढह चुके हैं यहाँ पे। और काकी पा लगी ठीक बाटू? ठीक बाबा ने एक कर दिया। अरे रे पहचाने तो पहचाना तो हमें पहचाना तो। हाँ टेबुल्ले बाबू के लड़का बड़ा वाला पवन। हाँ, बाबू है ना। हाँ 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 उन्हीं के लड़का है। हाँ काम होता है ना घर वहाँ। अच्छा, नहीं पापा की थोड़ी तबियत खराब हो गई ना, अपन ध्यान रखो अपन। हाँ चल बताओ, इतनी उम्र हो गई आप लोग अभी भी। चलिए ठीक है अपना ध्यान रखिए। जितने चाचा है कि नहीं है? अच्छा अच्छा के बा घर जिनक है जिनकू। हाँ अच्छा 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 चलो ठीक। सो गाइस देख सकते हैं ये है हमारा घर। चलिए चलते हैं। इस नारियल के पेड़ को हम लोगों ने ही लगाया था जब मैं बहुत ही छोटा था, और आज एक पेड़ गिर चुका है जो कि इस किनारे था, और एक अभी भी सीना तान के खड़ा है वो पेड़। चलिए अच्छी बात है। ये है मेरा घर। सो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।